वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार मित्रों, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी के हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय एवं संग्रहालय, उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय, निदेशालय के संग्रहालय जो महत्वपूर्ण है उसको इस वीडियो में जिक्र करेंगे, और जो अन्य प्रमुख संग्रहालय एवं पुस्तकालय होंगे उसको दूसरी वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि हमारा यानी कि यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज कुछ आपके लिए स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किया है, जो कि सिक्वेंस क्रम में दिए जाते हैं। काफ़ी डिटेल, बेहतरीन अध्ययन, बेहतरीन क्वालिटी के साथ विशेषज्ञों की टीम द्वारा बनाया गया आपका अध्ययन मटेरियल है। लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, वो आपके बैच प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें कुछ बैचेज लॉन्च कर दिए गए हैं, कुछ बैचेज जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे, और उसमें क्रमिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से आगे वीडियो पढ़ती रहेगी, लाइव क्लास चलती रहेगी, स्टोर आपको मिलता रहेगा। एक वर्ष की वैलिडिटी आपको मिल रही है, क्लासेज आप पूरी एक वर्ष तक देख सकते हैं मिनिमम चार्ज पर। कुछ नहीं चार्ज है किसी भी कोर्स में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप जो है यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या यूपी पीसीएस की दे रहे हो या किसी भी पीसीएस की दे रहे हो, किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग की दे रहे हो, आरओ एआरओ दे रहे हो, आरओ एआरओ जो कि आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, या फिर अधीनस्थ सेवा चयन की जो आपकी है यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल की परीक्षा दे रहे हो जो कि आ रही है वैकेंसी, जल्द आ जाएगी, यूपीएसआई की दे रहे हो, ठीक है, यूपीपी की दे रहे हो, या आप जो है शिक्षा विभाग से संबंधित टीजीटी पीजीटी की दे रहे हो, पीजीटी की सभी क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको ये करना है कि आप हमारे ऐप से जुड़ जाएं, ऐप से जुड़ जाएं। ऐप का नाम है ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, इससे आप जुड़ जाएं, ठीक है, और ये आपका इसका लाभ उठाएं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज को सर्च करें, ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लें, और जिस भी कोर्स में जाना चाहते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, ठीक है। और अगर कोई समस्या आती है तो संपर्क करें 9696 8809 9899 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जो भी समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। अभी काफ़ी छूट दी जा रही है, सीमित समय के लिए छूट है, 80% तक की छूट आपको इसे मिल सकती है, यानी 60% से लेकर 80% तक की फीस में अभी छूट है। ये कुछ ही दिनों के लिए छूट है, इसके बाद फिर फीस आपकी प्रॉपर हो जाएगी। इसलिए इस समय छूट का लाभ उठाएं, मिनिमम चार्ज में बेटर क्वालिटी प्राप्त करें, और अपने जो है भविष्य को सुरक्षित करें, और अपने लक्ष्य को सफलता प्राप्त करें, लक्ष्य में सफलता प्राप्त करें, यही हमारा प्रयास है। तो मिलते हैं अब इसमें जो है, देखते हैं आगे आज का टॉपिक, जिसमें हमें देखना है उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के संग्रहालय, इसको हमें देखना है। देखिए, पहली बात हम यहाँ बात कर लेते हैं, अगस्त 2002 में गठित उत्तर प्रदेश निदेशालय संग्रहालय के तहत वर्तमान में कुल राजकीय संग्रहालयों की संख्या 16 है। राजकीय संग्रहालयों की संख्या कुल जो है आपकी 16 है, आंकड़ा याद रखेंगे, ठीक है। इसमें राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात हम लोग सबसे पहले करते हैं, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ठीक है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ की बात हम लोग करते हैं। ये जो है आपका 1863 में स्थापित हुआ था, 1863 में ये आपका स्थापित हुआ था, 1863 में स्थापित किया गया था, जो राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है, ठीक है, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है। और राजकीय संग्रहालय मथुरा की बात करते हैं, इसके बाद यानी कि लखनऊ के बाद हम सीधे राजकीय संग्रहालय मथुरा की बात करते हैं, ठीक है, मथुरा वृंदावन क्षेत्र यहाँ की बात करते हैं। ये जो है 1874 में स्थापित हुआ, इसकी स्थापना जो है 1874 में स्थापित की गई। पता ही है मथुरा क्षेत्र जो है श्री कृष्ण भगवान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, यानी ये जो है संग्रहालय यानी मथुरा संग्रहालय जो है कृष्ण एवं गुप्त अवशेष
और प्रचुर जैन सामग्री यहाँ मिलेगी। कृष्ण के समय की बात कर लीजिए या गुप्त के समय की बात कर लीजिए, अवशेष के रूप में और प्रचुर जैन सामग्री आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय झांसी की बात करते हैं, ये आपका यहाँ पर है राजकीय संग्रहालय झांसी, जिसकी स्थापना जो है 1978 में की गई, 1978 में की गई। क्योंकि क्षेत्र जो है आपका ये पूरा बेल्ट जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व को यहाँ पर सजोया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड यानी कि आपका क्षेत्र ही बुंदेलखंड है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व को जो है इसमें सजोया गया है, यानी कि राजकीय संग्रहालय झांसी में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में भी है और राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में भी है, ठीक है। दोनों की बात हम लोग करते हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर एवं कुशीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की हम लोग बात कर लेते हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये आपका गोरखपुर और यही आपका पास में जो है दूसरा राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, जिसे आप कसिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुशीनगर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1988, ठीक है, 1988 में स्थापित किया गया, बौद्ध जैन हिंदू धर्म से संबंधित। याद रखिएगा जो आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर है, तीन धर्म की बात कर रहा, बौद्ध जैन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, तीनों को याद रखिएगा, तीन धर्म से संबंधित आपका यह स्थल हो जाता है, ठीक है। यानी बौद्ध जैन हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पर सामग्री सजोई गई है। वहीं राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर जो है 1995 में 1995 में स्थापित किया गया, बौद्ध एवं जैन सामग्री के लिए है, ठीक है, बौद्ध एवं जैन सामग्री, यानी कुशीनगर में बौद्ध एवं जैन सामग्री के लिए है बौद्ध संग्रहालय। अब बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर जो राजकीय बौद्ध संग्रहालय, वो तीन धर्मों के लिए, हिंदू, जैन और बौद्ध के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थ नगर, पिपरहवा सिद्धार्थ नगर के नौगांव आपका क्षेत्र उसकी उसी के अंतर्गत आता है, मुख्यालय आपका है, तो पिपरहवा सिद्धार्थ नगर जो आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय, यहाँ पर बौद्ध सामग्री 1997 में स्थापित किया गया। फिर से समझिएगा, बौद्ध संग्रहालयों में राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर तीन धर्मों से जुड़ा हुआ है, 1988 में स्थापित, बौद्ध जैन हिंदू से जुड़ा हुआ है। वहीं पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो आपका कुशीनगर है, ये दो धर्मों से होता है, 1995 में स्थापित, बौद्ध एवं जैन धर्म सामग्री यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। वहीं पर जो है आपके राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा सिद्धार्थ नगर जो है, ये आपका 1997 में स्थापित, बौद्ध सामग्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कन्नौज, कन्नौज जो है 1996 प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, राजकीय राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, बौद्ध संग्रहालय नहीं, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, ठीक है, जो कि आपका इत्र नगरी भी है, ठीक है, कन्नौज जो कि आपका इत्र नगरी भी है, ये इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कन्नौज 1996 प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, प्रतिहार सामग्री, प्रतिहार भाग से संबंधित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फारुखाबाद, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फारुखाबाद हिंदू और बौद्ध सामग्री के लिए जाना जाता है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फारुखाबाद, ठीक है, ये हिंदू और बौद्ध सामग्री के लिए आपका जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका पुरातत्व संग्रहालय फरुखाबाद के बाद अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, भाई इसके अलावा कहाँ हो सकता है, ये आपका अयोध्या में ही होगा, ठीक है। राम आर्ट गैलरी की बात कर दिए, राम जी का नाम आ गया, तो यानी कि जो आपका ये है ये आपका अयोध्या में मिलेगा, ठीक है। अयोध्या श्री राम संबंधी सामग्री आपकी यहाँ पर है, 1988 में स्थापित है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, ठीक है, और आर्ट गैलरी ये अयोध्या में आती है, ठीक है, 1988 में स्थापित है। लोक कला संग्रहालय, लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है 1989, ठीक है, लखनऊ
लखनऊ में जो है लोक कला संग्रहालय आपका 1989 में स्थापित है, ठीक है। ये आपका जो है लखनऊ में विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण से संबंधित है, विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो है जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर जो है ये आपका 1989 के आसपास में स्थापित है। वो आसपास के क्षेत्रों के जो जो स्थल है या सुल्तानपुर ये क्षेत्र आपका है, जो सामग्री है उनको सजोए हुए है, ठीक है। यानी जो आपका है राजकीय जो है जनपदीय जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर, ठीक है, जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर। वहीं पर जो है आपका राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में है, राजकीय जो आपका स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये आपका मेरठ के में है। और आप जान ही रहे हैं कि मेरठ जो है आपका ये जो है आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए काफी चर्चित रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है ये आपका काफी चर्चित रहा है। तो मेरठ में आपका जो है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित संग्रहालय आपका यहाँ पर पड़ेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम से 1996-97 में इसकी जो है स्थापना हुई। स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य व सामग्री जो है यहाँ पर मिलेंगे। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में मिलेगा, ठीक है, मथुरा राजकीय जैन संग्रहालय, ठीक है, राजकीय जैन संग्रहालय जो है मथुरा में है, जो कि आपका प्रचुर जैन सामग्री से संबंधित है, मथुरा, ठीक है, मथुरा आपका वही मथुरा वृंदावन क्षेत्र, ठीक है, जैन सामग्री के लिए है, प्रचुर जैन सामग्री आपके साथ 2003 में स्थापित है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय 2004 में स्थापित रामपुर में है, ठीक है, याद रखिएगा ये रामपुर में है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय व पुरातत्व पुस्तकालय व राम जो आप ये है ये रामपुर में है, 2004 में स्थापित है। इसके अलावा कालका बिंदादीन की जो है कालका बिंदादीन की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय, कथक है तो लखनऊ है, ठीक है, कथक यानी लखनऊ, यानी आपका जो है कालका बिंदादीन ड्योढ़ी व कथक जो है संग्रहालय लखनऊ 2016 में स्थापित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री स्मृत संग्रहालय ये वाराणसी में 2018 में स्थापित किया गया, शास्त्री जी की सामग्री को संजोए रखने के लिए। तो ये आपके जो है उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संग्रहालय रहे। इसके अलावा कुछ अन्य संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट